वैशाली नगर सेक्टर 3 से अभी तक नहीं निकला बरसात का पानी, क्षेत्र के लोग पहुंचे कलेक्टर के पास। क्षेत्र में फैल रही है गंदगी और बीमारी। अजमेर में इस साल हुई बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से अजमेर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया था। खासकर वैशाली नगर के सेक्टर 3 में काफी पानी भर गया था जो कि अभी तक नहीं निकला है। इसलिए क्षेत्र के लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और उनको ज्ञापन दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भरे हुए पानी की वजह से मच्छर और बीमारी और कचरा फैल रहा है। इस वजह से क्षेत्र में काफी हाल खराब हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर ज्यादा पंप लगवाकर पानी को निकलवाने की मांग की। वैशाली नगर सेक्टर 3 समिति के हम सारे एक वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये है कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इस बार तो जितनी बारिश हुई उससे लोगों के बिल्कुल घरों में चला गया, दो दो फीट तीन तीन फीट पानी पहन रहा गया, जो कम से कम 7-8 दिन तक पानी वहीं रहा। गवर्नमेंट की तरफ से जो पंप हाउसेज हैं वो कम अरेंजमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से वो पानी उतरने में टाइम लग रहा है। तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा पंप हाउसेज वहाँ इंस्टॉल किए जाएँ, सो दैट कभी आगे चल करके इस तरीके की प्रॉब्लम जो कम से कम हो सके वो ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए उसका, जैसे कि बीमारियां भी फैल रही, नेचुरली बीमारियां फैल रही है। कचरा सारा जो रोड का जो पानी के साथ आ रहा है वो सीधा लोगों के घर में घुस गया है। लोगों के सारे जो फर्नीचर्स वगैरह वो डैमेज हो गए हैं सारे। कॉलोनी में डेंगू भी फैल गया है, बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है अभी। जगह ये वैशाली नगर सेक्टर 3 में, सत्यम पैलेस के बद्र विद्यालय के पीछे। आपका नाम? वजीर सेवा रमानी।